नमस्ते, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल माँ जी की रसोई में। आज आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ राजमा मसाला का। इसको चावल के साथ, रोटी के साथ खाते हैं। इसे बनाने के लिए राजमा को रात में ही भिगो दे, कम से कम 8 घंटे तक इसको पानी में भिगो के रखना चाहिए। अब इसको अच्छी तरह से धो के एक कुकर में ले लेंगे। इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। इतना पानी डालेंगे कि राजमा पूरी तरह से पानी में डूब जाए। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और कुछ खड़े मसाले डालेंगे, गरम मसाले के, दालचीनी, बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, एक तेज पत्ता का भी पत्ता डाल देंगे। अब कुकर बंद करके इसको गैस पे चढ़ाएंगे। 1 सीटी लगेगा तो धीरे करके 20 मिनट्स और उसको पकाएंगे। ये लहसुन अदरक है, इसको हम पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसको खाल में हम चूर लेंगे दरदरा। अब राजमा बनाने के लिए कुछ मसाले चाहिए, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, हरी मिर्च, और ये 2 प्याज है जिसको हम मिक्सी में पीस लिया है, और ये लहसुन अदरक, और ये 3 टमाटर है जिसको मिक्सी में पीस के प्यूरी बना लिया है। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जब चटक जाएगा थोड़ा हल्दी डाल देंगे, इससे सब्जी का कलर अच्छा आता है और तेल ज़्यादा छिटकता नहीं है। इसमें जो हमने दरदरा पीसा है प्याज को मिक्सी में, उसको डाल दिया है। प्याज को ना दरदरा ही पीसे, एकदम पेस्ट ना बनाए तो अच्छा टेस्ट आता है। और ये हरी मिर्च डाल के इसको भूनेंगे प्याज को, क्योंकि प्याज कच्चा है ना, तो इसको थोड़ा भूनना पड़ेगा। 2-3 मिनट इसको हम भूनेंगे। अब इसमें जो हमने कूट के रखा था लहसुन अदरक, वो भी डाल के इसको 2-3 मिनट और भूनेंगे, तो प्याज लहसुन अदरक अच्छी तरह भून जाएगा। जब तक मसाले भून रहे हैं मैं कुकर खोल के देखती हूँ हमारा राजमा पका है, कैसा पका है। देखिए एकदम गल गया है अच्छी तरह। देखिए इसको एक बाउल में निकाल लिया है, एकदम अच्छी तरह पक गया है। ये हमारा प्याज और लहसुन अदरक अच्छी तरह भून गया था। अब इसमें पिसा हुआ टमाटर डाल देंगे, इसको भी अच्छी तरह भुनेंगे। 2 मिनट टमाटर के साथ भी भून लिया। अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, सब डाल के अच्छी तरह फिर से इसको हम फ्राई करेंगे। ये मीडियम लो पे ही फ्राई कीजिए, मसाला ना जले। अभी ये सारे मसाले को कम से कम 5 मिनट तो भूनना ही है, जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ने लग जाए। इसको भूनिए, जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे स्वाद उतना ही अच्छा आएगा राजमे का। ये मसाला भून गया है, अब इसमें नमक डाल के फिर से और भूनेंगे। मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वादानुसार नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको फिर से अच्छी तरह चला लेंगे, मिक्स हो जाएगा। ये जो राजमा में डाले थे उबालने के समय, वो सब निकाल लिए। अभी राजमा को
मसाले में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको थोड़ी देर पकने देंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसमें हमारा जो राजमा उबाले थे उसका जो पानी बचा हुआ था उसको हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, इसी में हम यूज कर लेंगे इसका ग्रेवी को थोड़ा पतला करने के लिए। अगर चावल के साथ खाना है तो इसको थोड़ा पतला बना देंगे, अगर रोटी के साथ खाना है तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा रहने देंगे। अब इसमें गरम मसाला मिलाएंगे जिससे टेस्ट एकदम बढ़ जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्रीमी लुक है, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। आप घर में ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा बना है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा कंसिस्टेंसी है। ये चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी बना है। इतना टेस्टी बना है कि आप खा के ही बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है। थोड़ा ऊपर से धनिया, कटा हुआ धनिया स्प्रेड कर दें और इसको सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।